गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एसएस रिवीजन क्लास। आई होप यू ऑल रेडी विथ योर रिवीजन सीट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पीए वन प्लस टर्म वन रिवीजन फ्रॉम अवर रिवीजन सीट। आई होप यू ऑल टेक आउट योर ऑलरेडी आपने अपना प्रिंट आउट निकाला होगा, नहीं निकाले हो तो आपको आनंद स्टेशनरी में भी ये अवेलेबल है। ओके, सो राइट डाउन योर नेम एंड फर्स्ट चैप्टर इज यूनिवर्स, यूनिवर्स एंड द अर्थ। हम क्विक रिव्यू करेंगे अपना फेयर टेक्स्ट बुक में से। आपके टेक्स्ट बुक यहाँ पे सबमिट है तो नो नीड टू वरी अबाउट देयर। गैलेक्सीज बोले तो क्या है, स्काई में जो बड़ा हेवनली बॉडी है, बॉडी जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ मिलियन स्टार्स विद द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज में स्टार, सन, स्का, मून, ये सभी आते हैं। लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द नाइट, वॉट डू यू ऑब्जर्व। आप स्काई में जो रात में देखते हैं वो सबको हम गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा अर्थ जो है किससे सराउंडेड है, एटमोसफियर से सराउंडेड है। डे में हम स्टार्स को नहीं देख सकते हैं और मून को भी नहीं देख सकते हैं, क्लियरली हम नाइट में ये देख सकते हैं। स्पेस एंड द अर्थ, सुनो यहाँ पे स्पेस एंड द अर्थ। इन द यूनिवर्स अवर अर्थ इज टीनी पार्ट। हम यूनिवर्स जो है हमारा बड़ा यूनिवर्स, उसमें हमारा अर्थ एक छोटा सा पार्ट है। द गैलेक्सी इज कॉल्ड आकाश गंगा और मिल्की वे। ये सभी जो इंक्लूडिंग अर्थ और ये सभी जो है स्टार्स, ये सभी है, इनको हम मिल्की वे और गैलेक्सीज कहते हैं। इंक्लूडिंग अवर अर्थ द सन, मून एंड द स्टार ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो है सेलेस्टियल बॉडी मीन्स हेवनली, ये जो हेवन में रहते हैं ये सभी बॉडी है। हमारा स्काई में जो दिखते हैं वो सभी हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। नाउ टर्न द पेज, हम देखेंगे अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे है सोलर सिस्टम जो है। अवर अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारा अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम में, और वो सन का चक्कर लगाता रहता है। सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, इट इज नेचुरल सेटेलाइट। ओके, और मून जो है, मून हमारा अर्थ का चक्कर लगाता है। द अर्थ कंप्लीट इट रोटेशन इन 24 आवर्स। और अर्थ अपने ही पाथ पे जो रोटेशन लगाता है उसको हम 24 आवर्स लेता है, और पूरा रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लेता है, 365 1/4 डे। और स्टार्स जो है वो खुद से बनाए हुए हेवनली बॉडी में, वो बहुत बड़े साइज में होते हैं बट वो बहुत दूर रहते हैं, इसकी वजह से वो हमें छोटे दिखते हैं। स्टार्स जो है ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, वो अपने सन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद से अपना हीट एंड लाइट क्रिएट करते। द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन। सन जैसे ही वो अपना हीट एंड लाइट क्रिएट करते हैं। और सन भी एक स्टार है, अवर सन इज स्टार, हमारा सन भी एक स्टार है। वी यूज टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्पेस एंड अदर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से दो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप। नाउ कम टू द कॉन्सुलेशन। कॉन्सुलेशन वी कैन सी मैनी ग्रुप ऑफ स्टार इन द डिफरेंट पैटर्न्स डार्क नाइट। हम नाइट में बहुत सारे सेप देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बियर और अ सप्तऋषि, ये है, और पोलार बियर, पोलार ध्रुव स्टार। इन द डार्क नाइट वी कैन सी वेरी ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ साइड डिरेक्शंस विच इज़ नोन एज अ पोल स्टार। ये हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। सन एंड द सोलर सिस्टम, सन इज द नियरेस्ट टू अवर अर्थ, राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन जो है हमारा अर्थ का नियर है, और इनका जो हीट एंड लाइट हमें पहुँचने में 8 मिनट्स लगते हैं। तेरे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है, और इट गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी। और हम सोलार एनर्जी यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट पर्पस में हम सोलार एनर्जी को यूज़ करते हैं। द सन रेज रीच अर्थ एट 8 मिनट्स। ओके, नाउ सोलार सिस्टम इन द स्पेस द सन प्लैनेट्स देयर सेटेलाइट एंड एस्ट्रॉयड पीसेस ऑफ रॉक ऑल टुगेदर फ्रॉम द सोलार सिस्टम विद द सन बीइंग देयर सेंटर। ये सब मिला के सोलार सिस्टम होती है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे है सन,
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Fixed if path orbit, they also rotate the themselves. सन का चक्कर लगाते रहते हैं ये सब, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अर्थ इज अ लिविंग प्लैनेट. अर्थ जो है लिविंग प्लैनेट है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इसलिए हम इसको लिविंग प्लैनेट कहते हैं. और अर्थ जो है अपना फिक्स्ड एक्सिस में घूमने के लिए 24 आवर्स लेता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं. और अर्थ जो है सन का चक्कर लगाने में 365 1/4 डेज लेते हैं, इसको वन ईयर होता है. दिस इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन और अ वन ईयर मोमेंट हम कहते हैं. ओके, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, टू मोमेंट्स आर देयर, रेवोल्यूशन rotation. Okay, the earth has air, water and suitable temperature and condition to support life. Earth mein ye sabhi hai, isliye yahan pe life exist hai. Our earth is only planet in the solar system where life exists. Pura solar system mein hamara earth hi aisa jagah hai jahan pe hum jeevan bita sakte hain, pakshi, prani, tree, ye sab. Mercury is the nearest, Jupiter is the largest and Neptune is the farthest planet from the sun. ये बहुत ही near है, ये बहुत ही बड़ा है Jupiter, और Neptune बहुत ही दूर है. Venus is the hottest planet in the solar system. पूरा solar system में ये सबसे hot है Venus. The planet, ये सभी हैं आपका world fact. Moon. A moon is a natural satellite of the earth. The moon is also celestial body in the space and part of the solar system. The moon is only natural satellite of the earth. It is smaller in size and comparison with the earth. Hamara earth ka natural satellite hai aur bahut hi chota hai comparing to the earth. It completes one revolution of the earth. Jaise hum sun ka chakkar lagate hain, waisa hi hamara मून जो है हमारा भूमि का अर्थ का चक्कर लगाता है. कितने दिन में? 28 डेज तक. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट शाइन एट इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. इसके स्टार और सन के जैसे खुद का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये सन का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे ये रिफ्लेक्ट चमकता है. द मून अपीयर्स चेंज इट्स शेप डे बाई डे, दीज चेंजेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. मून जो है ये जो दिख रहा है ये फेजेस ऑफ द मून है. अमावस के बाद बड़ा होता जाता है और अमावस से पहले छोटा रहता है. इट नोन एज द वी डू सी द मून एट इन द स्काई, इट इज नोन न्यू मून और अमावस. उस दिन हमें कुछ नहीं दिखता है. टू डेज आफ्टर अमावस द लाइटेड फेस ऑफ द मून इंक्रीज, सो वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी द ब्यूटिफुल क्रिसेंट मून. जैसे ही अमावस पूरा होता है तो ऐसे छोटा सा मून दिखने लगता है, इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं. क्रिसेंट मून इज द कर्व शेप ऑफ द मून दैट वी सी. क्रिसेंट मून बोले तो क्या है? कर्व शेप ऑफ द मून. नाउ विद इन इंटरवल 15 डेज इनविजिबिलिटी, सुनो, विद इन 15 डेज अपना डायरेक्शन चेंज करता है, फुल मून हो जाता है, तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं. उस दिन हम चांद को स्काई में बहुत बड़ा देख सकते हैं. नाउ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, मैनी आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैव बीन सेंट इन टू द स्पेस बाई द साइंटिस्ट, दीज आर क्वाइट हेल्पफुल अस इन मैनी वेज. सेटेलाइट्स को सन, हम आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, वो सभी हम भेजे हैं, किस लिए? वो हमें मैनी तरह से यूजफुल हैं. और टू एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द USA, आर्यभट्टा इज द फर्स्ट सेटेलाइट बिफोर बीइंग द सेंट इन द स्पेस. ओके, ये है हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट. इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अवर प्राइड. सो स्पेस पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जो है USA के है. नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन अल्दरिन लैंडेड ऑन द मून. वहाँ पे ये मून पे जाके हमारा अर्थ का फोटोग्राफी लिए हैं और ये सभी मून का फोटोग्राफीज है. इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर अवर प्राइड. इंडियन के भी एस्ट्रोनॉट्स है. वी आर प्राउड ऑफ अवर एस्ट्रोनॉट्स. हमें बहुत ही प्राउड फील होता है. द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू द
स्पेस, ये सभी जो हैं वो स्पेस में जाने के अपॉर्चुनिटी ले थे, ये हमारे प्राउड हैं। ओके, नाउ क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर द नाउ क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर नाउ द यू हैव टू रीड द क्विक रिव्यू ऑफ चैप्टर ऑलवेज। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू दी अवर रिविजन सीट। अवर रिविजन इज फर्स्ट चैप्टर रिविजन इज गोइंग ऑन। सो टेक आउट फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर टू। ओके, फर्स्ट रीड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देन कम टू दी अ गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ A galaxy is a large group of okay. A galaxy is a large group of stars. Our answer is here we are going to write stars, S-T-A-R-S, stars. Which of the heavenly bodies given below is bigger than in size? Sun. Our answer is sun. How many stars in the Great Bear Constellation? 7 stars in the Great Bear Constellation. Okay, so this is our answer. Now, what do we call the bright moon, full moon? Ko hum kya bolte hain? Purnima. Our answer is C, Purnima. What do we call the movement of the earth? Movement of the earth ko hum revolution kehte hain. Now, turn the page number 4, which is the natural satellite of the earth? Moon is the natural satellite of the earth. How much time does the earth take to complete one round the sun? 365 days. Sun ko round hone ke liye time leta hai, usko hum bolte hain revolution. 365 and 1/4 days. Fill in the blanks. The moon reflects the light of the सन, उसका ओन लाइट एंड हीट नहीं है, वो सन से रिफ्लेक्ट होके ए करते हैं, रिफ्लेक्ट होके शाइन होते हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ विच इज द टाइनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश टू ऑब्जर्व द स्टार्स, टेलीस्कोप, दैट इज आंसर इज टेलीस्कोप। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। ओके, फिफ्थ वन, द अर्थ कंप्लीट्स इट रोटेशन इन 24 आवर्स। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। प्लैनेट्स एंड सेटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक अ स्टार्स। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 4, यू हैव टू राइट पेज नंबर 4। Page number 4, moon complete one revolution of the earth in 28 days. Aryabhata is an artificial satellite. Aryabhata is an artificial satellite. Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon. Crescent moon is the curved shape of the moon that we see. We see very bright star in the north direction known as a pole star. Now come to the true and false. The moon does not have its own heat and light. True, this answer is true. The Great Bear is a constellation in the space. True, the moon is a ball of hot burning gas goes in the gases in the space. No, space. Wrong. False. The sun is a star. Correct. Okay. The earth rotates from the east to west. No, it's a false. The earth moves around the moon. No. Sun moon. A wala hai. False. Now match the columns A and B. A galaxy, Great Bear, Sun, Moon, Saturn. Galaxy is a Akash Ganga. Okay, this is 1, 5, 2, 3, 4 star hai moon. Yahan pe maine answer likha hua hai. Okay,
Now turn the page. You have to solve this puzzle. Okay, read and solve the puzzle. First one is model of the earth is globe. GLOBE, globe. First man on the moon. Who is that? Okay, Neil Armstrong. ऐसे आपको ये पजल पूरा सॉल्व करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस वंस. व्हाट आर द स्टार्स? शॉर्ट आंसर्स. यू हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क. आई एम गोइंग टू सेंड यू PDF ऑफ दिस वन. यू हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक. वी हैव MCQs बेस्ड क्वेश्चन. देन ऑल्सो यू हैव टू राइट द What are the stars? The stars are the huge ball of hot burning gases. What is the atmosphere? The earth is surrounded by the layers of the gases is called atmosphere. What is universe? The universe is a huge and endless expansion having group of millions of galaxies. It is okay. So I am going to send you this all. You have to complete in your long question answers and everything you have to complete in your today's homework. Okay, I am going to send you PDF of this all and you have to write from the PDF. Please do revision properly. Okay, stay safe. Thank you.